नितिन गडकरी एक ऐसे मंत्री जिनके काम करने के अंदाज की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, और उसके अलावा जो लोग हाईवेज पर ट्रेवल करते हैं वो भी नितिन गडकरी की तारीफ किए बिना नहीं रह पाते हैं। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में नितिन गडकरी एक विवाद में फंसते नजर आए, घोटाले की ओर इशारा किया गया उस रिपोर्ट में जो सीएजी की तरफ से आई। लेकिन सीएजी की इस रिपोर्ट पर अब नितिन गडकरी की पहली बार प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में चैलेंज करते हुए कह दिया है कि घोटाला अगर हुआ हो तो जो सजा मंजूर हो वो सुना सकते हैं। क्या कहा है नितिन गडकरी ने, आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल नितिन गडकरी हाल ही में एक प्राइवेट मीडिया न्यूज चैनल के शो पर पहुंचे थे, और यहीं पर उनसे सीएजी की हालिया रिपोर्ट पर सवाल पूछा गया। द्वारका एक्सप्रेस वे पर सीएजी की रिपोर्ट आई थी, इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि द्वारका एक्सप्रेस वे कुल 29 किलोमीटर का है और इसमें कुल 8 लेन हैं। उन्होंने आगे कहा कि डीपीआर में भी इस हाईवे को बनाने में 18 किलोमीटर के लिए उन्होंने 250 करोड़ रुपए खर्च किए। ये जो हाईवे बनाया गया है वो स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी से बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट की लेंथ 29 किलोमीटर है। अगर मैं लेन वाइज बात करूं तो 563 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, इसमें 6 लेन टनल भी बनाई गई हैं। हमने इसको 12% की बचत की है। समस्या कहाँ हुई, इस पर भी उन्होंने बात की। उनका समस्या ये हुई कि इसमें 206 किलोमीटर नहीं बल्कि 230 किलोमीटर है। हमने कैग के अधिकारियों से ये बात बताई भी थी जिस पर वो कन्विंस हो गए थे, लेकिन दिक्कत ये हुई कि लिखित में हम उनसे ये बात करना भूल गए, जिस वजह से ये रिपोर्ट आई। इसके बाद नितिन गडकरी जो कहा वो आपको भी सुनना चाहिए। गडकरी ने कहा, मीडिया से लेकर विपक्ष के मित्र तक इस प्रोजेक्ट की जांच कर सकते हैं, अगर उनको कहीं भी गड़बड़ी दिखती है तो वह जो सजा मंजूर हो मुझे सुना सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, अब तक इस सरकार में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के हाईवे बना चुका हूं या बनाने का काम कर रहा हूं। तो ये बात नितिन गडकरी ने कही है, और भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है, घोटाला एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर खास तौर पर कांग्रेस पार्टी को और यूपीए को घेरते रहे हैं, और इस बात का दंभ बीजेपी जो है वो भरती है कि पिछले 9 सालों में घोटाला एक ऐसा शब्द है जो उसकी सरकार में नहीं हुआ। ऐसे में जब सीएजी की रिपोर्ट आई तो सवाल उठे, इशारा हुआ कि क्या नितिन गडकरी के काम में कहीं ना कहीं चूक रह गई। लेकिन नितिन गडकरी ने साफ कर दिया कि घोटाला अगर हुआ हो तो जो सजा सुनानी हो सुना देना। आपकी इस पर क्या राय है, आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।